प्रार्थना, तीसरा है, तीसरा क्या है, तीसरा है प्रार्थना। आनंद लूट लो प्रभु की बंदगी का, न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। आनंद लूट लो प्रभु की बंदगी का, न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। अपनी हर सुबह की शुरुआत जहां प्रणाम से करो, वहीं दूसरा काम प्रार्थना का कर लो। भले एक मिनट की प्रार्थना करो, चाहे एक घंटे का समय लगाओ। जो लोग रोजाना प्रार्थना कर लेते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम पावर से जोड़ लेते हैं। प्रार्थना बिना पोस्टमैन के हमारे द्वारा भगवान तक पहुंचाई जाने वाली चिट्ठी का नाम है। बिना पोस्टमैन के, बिना किसी पंडित पुजारी संत गुरु के भी अपने द्वारा सीधी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने वाली, अगर कोई तार बेतार वाली अगर कोई व्यवस्था है तो सीधी है हमारी प्रार्थना। प्रार्थना करो, मीरा जैसा प्रेम दे मुझको। हे प्रभु क्या प्रार्थना, मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे। मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे, सूरदास जैसी आंखें दे, सूरदास जैसी आंखें दे, चंदना जैसी मुक्ति दे, दे मुझे ज्ञान अर्जुन सा, दे मुझे ज्ञान अर्जुन सा। कौन सा ज्ञान दे मुझे? अर्जुन को जैसा तूने युद्ध के मैदान में खड़े होकर जो ज्ञान दिया था, वैसा ज्ञान तू मुझे दे। दे ज्ञान मुझे अर्जुन सा, तुलसी जैसी भक्ति दे, रोज तेरे दर्शन कर पाऊं, आंखों में वो शक्ति दे, आंखों में वो शक्ति दे, आंखों में वो शक्ति दे कि प्रभु तेरा दीदार मैं रोज कर पाऊं। इन आंखों में अगर मैंने तुझे बसा लिया तो मैं जिधर देखता हूं मुझे तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू नजर आता है। हो सकता है आपको आपके पड़ोस में कोई और नजर आता होगा, पर मुझे तो अपने सामने वो ही वो, वो ही वो, सब में वही एक नजर आता है तत्वमसी। वह तू ही है हर और एक मूरत में, हर एक मूरत में वही एक नजर आता है। इसीलिए मैं सबको प्रभु कहकर संबोधित करता हूँ, क्योंकि मुझे सब में वही एक नज़र आता है। अगर हमने हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और परमात्मा के प्रेम से भर लिया है तो हमें हर और वही 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 नज़र आएगा। मैं तो आपसे भी कहूँगा, अगर आप भी अगर एक दूसरे को प्रभु बोल करके संबोधित करना शुरू कर दो ना, तो आप जहाँ खड़े हो, बाजार में खड़े हो, तब भी भगवान आपके सामने, मंदिर आपके पास में है। आप अपने पति से भी कहो आओ प्रभु जी, अरे वो पति दो दिन तो चौंकेगा, पर फिर अब तक तो वो आपको कह रहा है तू 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 तू, पर जब अगर आपने दो बार उनको प्रभु जी कह दिया ना, तो वो भी कहेगा महालक्ष्मी प्रणाम। फिर उन्हें भी आपको महालक्ष्मी कहना ही कहना पड़ेगा। ओह, प्रार्थना से अपने दिल को भरो, प्रभु को सब और देखो। प्रभु से अगर संवाद करने हैं, प्रभु से अगर संवाद करने हैं तो मन को थोड़ा शांत और मौन करना पड़ता है। किसी दूसरे से बात करनी हो तो फोन की जरूरत होती है, और प्रभु से बात करनी हो तो मौन की जरूरत होती है। किसी दूसरे से अगर बात करनी हो फोन की किसी दूसरे से अगर बात करनी हो तो फोन की जरूरत पड़ती है, और प्रभु से बात करनी हो तो मौन की जरूरत होती है। किसी दूसरे से बात करो, फोन से बात करो तो बिल देना पड़ता है, प्रभु से बात करो तो दिल देना पड़ता है। फोन से अगर बात करो तो क्या देना पड़ता है? बिल देना पड़ता है। और प्रभु से बात करो तो क्या देना पड़ता है? ये दिल देना पड़ता है। यहाँ अगर दिल में जगह है तो हर ओर प्रभु है, और हर ओर जब प्रभु है तो मैं कहूँगा अपने दिल को उसकी याद से भरो। ये दिल किससे भरा हुआ है? ये माइंड किससे भरा हुआ है? लोगों ने अपना माइंड भर लिया किससे? किसी ने टेंशन से, किसी ने चिंता से, किसी ने आक्रोश से, किसी ने वैर विरोध से, सब ने अपने अपने दिमाग भर लिए हैं। मैं प्रभु तेरी बड़ी रहमत समझता हूँ कि तूने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैंने अपने माइंड को राग द्वेष से नहीं भरा है, मैंने अपने दिमाग को लोगों के वैर विरोध से नहीं भरा है, मैंने अपने दिमाग को तुझसे भरा है, तेरी यादों से भरा है, तेरे प्रेम से भरा है। इसलिए मेरा मन मन नहीं है, मेरा मन भी मेरा मंदिर है।
मेरा मन भी मेरा मंदिर है और जिसमें मैंने तेरी मूरत बसा रखी है। माय डियर, तू किसी के लिए भगवान होगा, मेरे लिए तो तू मेरा माय डियर है। तू मेरे लिए मेरा माय डियर है, वो भगवान है, वो हमारा मम्मी है, वो हमारा पापा है, वो हमारा सखा है। बचपन में अपन सब लोगों ने पांचवीं और छठी की किताब पढ़ते हुए अपन सब ने पढ़ा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सब बोलो तो याद हो, जिन जिन को भी नहीं है तो याद कर लो। इतनी अच्छी लाइनें संस्कृत में जो बनी हुई ना, हजारों साल से मानव जाति को उजाला दे रही है लाइनें। ये लाइनें बोल लो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च। हाथ जोड़कर बोलोगे तो आनंद आएगा। त्वमेव माता त्वमेव बंधुश्च त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ऊपर करके त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु, त्वमेव माता, तू ही मेरी मम्मी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हमारे डैड हो, तुम ही हमारे पापा हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही हमारे भाई हो और तुम ही हमारे माय डियर फ्रेंड हो। त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, तुम ही हमारे ज्ञान हो। हम स्कूल जाकर जो ज्ञान पाते हैं वो तो रोजगार कमाने वाला ज्ञान है, असली ज्ञान तो तू हमारे भीतर से पैदा करता है। त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, द्रविडम यानी हमारी मालदार पार्टी भी तुम ही हो, इसलिए तुम हमारे सांवरिया सेठ कहलाते हो, तुम हमारे नाकोड़ा बहरूजी और संकेश्वर कहलाते हो, क्योंकि तुम मालदार पार्टी है। द्रविडम यानी धन देने वाले भी तुम ही हो। त्वमेव सर्वम, बोलो आगे, त्वमेव सर्वम, इसलिए तू ही हमारा सब कुछ है। उन्हें कुछ भी कहते हुए संकोच मत खाना कि मैं ये बोलूं या ना बोलूं। जैसे मम्मी पापा को कुछ भी कहने का आपका हक है, वैसे ही प्रभु को भी आपको अपनी हर शिकायत, हर भावना, हर कामना कहने की आपको अंदर से हक है। मैं मेरे भगवान को नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा, मैं मेरे पापा से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा, मैं मेरे भाई से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। उनको ठीक लगे ना लगे उनका डिपार्टमेंट, पर मेरी जो तकलीफ है वो मैं उन्हें कह तो सकता ही हूं। अंदर अंदर से प्रार्थना जिंदा करो, रोज सुबह चाहे एक मिनट ही सही आंखें बंद करो और श्री प्रभु को याद करो। सुप्रीम पावर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ो, अपने माइंड को, अपने मन को, अपनी थर्ड आई को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा की अप्रोच को उस सुप्रीम पावर के साथ जोड़ो। एक मिनट ही सही आंखें बंद करके उनके साथ अपने तार जोड़ लो। वो सर्वव्यापक सत्ता है, केवल उसकी उपस्थिति को महसूस करने की जरूरत है। वो यहां भी है, वो मेरी बातें सुन भी रहे हैं, वो आपको देख भी रहे हैं, ऐसा मत समझना वो कहीं और होंगे, वो यहां है। उसकी व्यापकता, भाई साहब ऑक्सीजन सब जगह है कि एक ही जगह है? हैं, सब जगह है। आप कहीं भी जाकर के सांस ले ना, उसकी ऊर्जा आपको हर जगह मिल रही है। कमरे में चले जाओ, बंद कमरे में बैठ जाओ, बाथरूम में जाके बैठ जाओ, तब भी ऑक्सीजन आपको मिलेगा, प्राण शक्ति आपको मिलेगी। आप तो कहीं बाथरूम में बैठ के भी उसको याद कर लोगे ना, कनेक्शन जुड़ जाएगा। कहीं भी याद करो, अस्पताल में गए, किसी बीमार आदमी के पास गए, वहां जाकर यह मत पूछो भाई साहब तुम्हारी तबीयत की करे। आप जैसे जाकर पूछोगे भाई साहब आपकी तबीयत कैसी, वापस हो क्या जवाब देंगे? ठीक हूं। उसको पूछो यार ठीक होता तो अस्पताल में थोड़ी पड़ा रहता, तो अस्पताल में आके पूछ रहा है कि मुझसे ठीक हो। भाई साहब अस्पताल में जाओ ना, तो वहां जाकर उसकी साता पूछो मत, बल्कि उसकी साता करो। और साता करने का तरीका यही है, वहां जाओ, एक मिनट उसके सामने आंखें बंद करके कहो, भाई साहब मुझे अनुमति दीजिए, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आंखें बंद करो और उसका नाम लेते हुए भगवान से कहो, हे प्रभु मेरी दिल से प्रार्थना है, मेरे चाचा जी अस्वस्थ हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, आप उन्हें आरोग्य प्रदान करें, आप उन्हें आयुष्य प्रदान करें, आप उन्हें जीवन प्रदान करें। श्री प्रभु शरणम कहो और उनसे कहो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की है और मुझे पक्का भरोसा है भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनता है। और आप ताज्जुब करेंगे, तीन दिन बाद वो सीधे ही आपके घर लौट कर आ गए हैं। वो केवल दवाई के बलबूते नहीं आए, बल्कि आपकी दुआ के बदौलत ही
दवा ने भी काम की और आपकी दुआ ने भी काम की, आपकी प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। बस केवल अंदर से चमत्कार करने के लिए विश्वास और श्रद्धा अंदर में पैदा होनी चाहिए। भाई जहर भी अमृत में बदल सकता है, बस केवल मीरा वाला भरोसा चाहिए। मीरा वाला भरोसा चाहिए तो बदल सकता है। मैं कहूँगा प्रार्थना अंदर से जरूर पैदा करूँ।